ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मत्स्य व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रायपुर मैदान के परिसर में 10.36 लाख रुपए की लागत से निर्मित व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र के भवन का लोकार्पण किया। वही वीरेंद्र कंवर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थाना कला के वार्षिक उत्सव की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मत्स्य व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रायपुर मैदान के परिसर में 10.36 लाख रुपए की लागत से निर्मित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के भवन का लोकार्पण किया। ये भवन राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 850 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके तहत 11 व्यावसायिक विषयों पर जानकारी प्रदान की जाती है। जिला ऊना के विभिन्न स्कूलों के 147 व्यावसायिक शिक्षकों द्वारा 9 विभिन्न विषयों पर शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके तहत विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें व अन्य सामग्री भी प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं भी ली जाती हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले ज्ञान को व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए औद्योगिक संस्थानों का दौरा भी करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों की आयु 16 से 19 वर्ष के बीच है और वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख से कम है, उन्हें 1000 प्रतिमाह की दर से कौशल विकास भत्ता भी दिया जाता है। मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को। आज मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहाँ वोकेशनल एजुकेशन में रायपुर मैदान में स्कूल में जहाँ 10.5 लाख से जहाँ भवन भी और वहाँ पर वर्कशॉप जो है वो बन करके जो है वो तैयार हुई है और वहाँ पर जो है वो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जो है वो रोजगार प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि जब वो प्लस टू कर करके निकलेंगे तो कुछ ना कुछ हुनर जो है उनके पास कमाने के लायक होगा। और उसी तरह से प्राइमरी स्कूलों में आज जहाँ कोलका में छपरो में अपने एकदम ग्रामीण के क्षेत्रों के अंदर जहाँ 22 लाख रुपए से जो है वो 2 स्कूल के भवनों का भी जो है वो आज विधिवत जो है वो लोकार्पण हुआ। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार जो है वो ज़्यादा संस्थाएं खोलने की बजाय जो है वो गुणवत्ता के ऊपर जो है वो ध्यान दे रही है और उसके लिए एक पूरे प्रदेश के अंदर अभिनव अभियान जो है वो स्कूलों के अंदर जो प्री प्राइमरी और नर्सरी क्लासेस के लिए जो है वो किया जा रहा है। उसकी शुरुआत जो मैंने अभी एग्जीबिशन में उनका जो हमने देखा है जहाँ पर बच्चे का शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास कैसे हो इसके लिए जो है वो खेल खेल में बच्चे को जो है वो पढ़ाना और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उसके अंदर संस्कार पैदा करना जो है वो एक मुख्य उद्देश्य जो है रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। आज जहाँ एक प्राइमरी स्कूलों के अंदर जो है वो इस अभियान को जो है वो सफलता मिल रही है जिसमें प्रदेश के अंदर 189 जिला स्तर के अंदर जिला के अंदर है ये हाँ 199 जो स्कूलों के अंदर जो है उस अभियान को जो किया गया है और इसके लिए उसकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ अध्यापक भी और बच्चे जो हैं मिलकर के जो है। ग्रामीण विकास पंचायती राज मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थाना कला के वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर वीरेंद्र ने कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य निखारने में अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छात्रों को स्कूल में किताब ज्ञान के साथ साथ संस्कार का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनका चरित्र निर्माण हो सके और वे समर्पित भाव के साथ राष्ट्र सेवा की दिशा में काम करें। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने जीवन में अनुशासन लाने की अपील करते हुए कहा कि सफलता के लिए अनुशासन आवश्यक है। कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार नए स्कूल खोलने की बजाय मौजूदा शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान है। स्कूलों में अच्छे खेल के मैदान,
बैठने की उचित व्यवस्था तथा आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, ताकि प्रतिस्पर्धा के दौर में सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी पिछड़ न जाएं। सर, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जहां स्कूलों के अंदर अच्छी शिक्षा मिले, बैठने के लिए अच्छा व्यवस्था जो है वो बच्चों के लिए हो, वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जहाँ वोकेशनल